देश का, क्या वजह है और क्यों हो रहा, क्या पहले ऐसा कभी किया कांग्रेस? नहीं, देखिए कांग्रेस कुछ थोड़ा सा पिछले चुनाव में भी असमंजस की स्थिति में थी। जब 2018 के चुनाव हुए थे उसके ठीक पहले भगवा को धारण करने की कोशिश की गई थी, सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर कांग्रेस थोड़ा सा बढ़ती नजर आई थी और उसके कुछ उनको जो लाभ या जो हानियां हुई होंगी वो अपनी जगह रही थी। लेकिन अभी जो सत्ता गंवाई है, जो 18 में सरकार बनने के बाद जो 1.5 साल का उनका टेन्योर रहा और फिर सिंधिया की बगावत के बाद जो सत्ता हाथों से निकली, उसके बाद से जब से कांग्रेस अपने पुनः सत्ता पाने की, जो 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनावी रण है उसमें कहीं ना कहीं कोशिश वो इसमें दिखती है कि अब इस जो उसका जो सॉफ्ट हिंदुत्व था वो सॉफ्ट हिंदुत्व को थोड़ा और उसमें तड़का लगाया जाए या थोड़ा हार्ड हिंदुत्व की ओर ले जाया जाए। तो लगातार जो कुछ मध्य प्रदेश में चल रहा है, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वही पीसीसी के चीफ भी हैं और उन्हीं की अगुवाई में पुनः कांग्रेस चुनाव रण में उतरी हुई है। कल जब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई, उन्होंने विधिवत यहाँ जो 2023 की जो चुनावी रण की जो रण है उसमें जो उन्होंने अपनी शंखनाद किया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चुनाव प्रचार का, हम कह सकते हैं कि एक तरीके से कल का जो है शंखनाद था। 5 बड़ी घोषणाएं उन्होंने की जो पूरे देश को पहुंच चुकी हैं, आ चुकी हैं, प्रदेश ने देख लिया है उसको। जो भगवा या जो हार्ड हिंदुत्व की बात करते हैं उस और कहीं ना कहीं बढ़ती दिखती है और हनुमान भक्ति तो कई बार दिखाने की कोशिश हुई है, समय समय पर कमलनाथ ने कार्यक्रम किए हैं। अभी बीच में तो पीसीसी पूरा एक दिन भगवा हुआ था, कुछ आयोजन था तब उन्होंने उसको पूरा भगवा रंग में रंगा था और कांग्रेस बार बार ये कहती कि हिंदुत्व कोई बीजेपी या किसी की कोई बपौती तो है नहीं, हम भी उसको अंगीकार कर सकते हैं, हमारा हिंदुत्व अलग है उनका हिंदुत्व अलग है, ये दर्शाने या जताने की कोशिश प्रदेशवासियों की जा रही है। और मध्य प्रदेश में एक सबसे खास बात यह है अमरीश जी कि द्विदलीय यहाँ चुनाव की प्रक्रिया होती है, कोई तीसरा दल ऐसा कोई बड़ी ताकत शक्ति नहीं है कि कोई बहुत यहाँ डैमेज कर पाए, या तो सरकार बनती है बीजेपी की या सरकार बनती है कांग्रेस की। बीच का एक 93 और 98 का हम चुनाव देखें तो उसमें मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में एक बार 11-11 सीटें लेकर बसपा ने अपनी ताकत को प्रदर्शित किया था और उसके अलावा बहुत ऐसा कुछ प्रदेश में हुआ नहीं है उसके बाद से। तो अब कहीं ना कहीं उनके पास में जो उनका वोट बैंक है, आप अगर हम भोपाल की बात करें, जो लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव आखिरी यहाँ अंपायर केएन प्रधान होते थे, केएन प्रधान के बाद से और वो भी जब राजीव गांधी जी की हत्या के बाद जो मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ था उसमें एक बड़ी जीत वो दर्ज कर पाए थे, उसके बाद से कभी यहाँ कांग्रेस सत्ता में आ नहीं सांसद का पद नहीं जीत पाई। ऐसे कई सारे प्रदेश के बीजेपी के टैगमार्क वाले इलाके हैं जहां वो लगातार वो जीतती आती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक वोट फिक्स है, उसको अपने वोट जहां जहां ऐसे हैं, जैसे भोपाल एक मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है या प्रदेश में और भी कई सारी सीट्स ऐसी हैं जो मुस्लिम बाहुल है, तो मुस्लिम बाहुल सीटें या अदर जो उसके वोट्स हैं, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, अनुसूचित जनजाति का हो या और जो दीगर कॉस्ट है, और मध्य प्रदेश कॉस्ट के मामले में ऐसा नहीं जैसे यूपी या और स्टेट्स कुछ हैं जहाँ कॉस्टिज्म बड़ा फैक्टर होता है। तो इन सब के बीच कोशिश है कि जो हिंदुत्व का जो पूरा एक देश भर में जो सिलसिला चल रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इस प्रयास में है कि हम भी अब थोड़ा सा इसको मजबूती से ये दिखलाएं कि हम वो सनातनी कहते हैं बार बार। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये जो सब करने के प्रयास हो रहे हैं, अब बहुत नजदीक है चुनाव, 3-4 महीने बचे हुए चुनाव में, तो जैसे कल भी जब यहाँ प्रियंका गांधी ने अपना आगाज किया तो उन्होंने कहा मैं नर्मदा की पूजन से शुरुआत करूंगी, नर्मदा की पूजन हुई तो उस पर कई सारी चीजें उठी कि उन्होंने आरती पहले ले ली, जो एक प्रोपोगंडे होते हैं या प्रोपोगंडा किया जाता है उसमें वो भी हुआ कि जब आरती नर्मदा की हो रही थी वो कमलनाथ जी के हाथ में जब वो दीपक गए तो उस बीच में वो आरती लेती दिखी विवेक तनखा थे, उसको एक कोशिश की गई, सोशल मीडिया में प्रचारित किया गया। तो ओवरऑल बीजेपी ये दर्शाती कि हम सच्चे हिंदुत्व के पैरोकार हैं और ये सच्चे नहीं है। इन सब के बीच में कांग्रेस ये प्रयास कर रही है कि हम अपने जो पारंपरिक वोट बैंक है या जो हमारे पास उनके बना हुआ है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम कुछ अलग गेन करें, इस सब के बीच कर रही है, लेकिन कितना उनको फायदा दे पाएगा ये देखना।